अभी जो तोता है वो श्लोक को सुनकर के पूरा कंठस्थ कर लिया। एक दिन राधा जी के हाथ से उड़ते उड़ते वो आ गया नंदगांव में और एक वृक्ष को पर बैठ करके बड़ी सुंदर राधा जी की कीर्तन कर रही थी। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, 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 श्याम को श्री को राधे को सुंदर, ये तोता हमारी किशोर जी की तोता पालतू तोता दे दो।
अगर तुम्हारी ईश्वर जी की पालता तोता है फिर तुम बुलाओ, अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारी हाथ में चली जाए फिर समझूगा भैया तोता तुम्हारे तोते को ले जाना। बोले जगत में ऐसे कौन प्राणी हो जो एक बार तुम्हारे हाथ में बैठ जाए तुम उसको लाड लड़ाओ। इतना नाम ही कृष्ण है, कृष्ण मतलब क्या है, जो विश्व ब्रह्मांड को जो आकर्षण करते हैं वो कभी तुम्हें छोड़ सकता है। बोले भैया फिर तोता मेरा तुम जाओ। अभी वो गई मैया जसोदा को पास में, बोले जसोदे हमारी राधा जी की तोता उड़ते हुए आ गया, कृष्ण पकड़ लिए और देना नहीं चाह रहे। बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाएंगे पीछे से तोते को मैं भेज दूंगा। अभी कृष्ण जब गैया चराने के लिए जा रहे हैं कभी ये तोते को भी मैं साथ में ले चलूंगा। मैया बोली पागल, तोते में कहा धूप में मर जाएगा, कहा घूमते रहोगे, तोता को क्यों साथ में ले जा रहे हो। बोले मैया ये संस्कृत का श्लोक बोलता है और राधा जी गले की आवाज जैसे। बोले बेटा कोई चिंता मत कर, मैं इसको रखा कर तू चले जा। जब कृष्ण गए पीछे से तोते को मैंने श्री राधा जी को पास में भेज दिया। इसलिए जो तोता है ये राधा रानी की पालता तोता है। जैसे भगवान राम जब ये जगत से गए संपूर्ण अयोध्या को लेकर गए, लेकिन किसको छोड़ कर गए थे? बोलो किसको छोड़ कर गए? हनुमान जी को छोड़ कर गए। बोले क्यों? बोले अगर तू चला जाओगे तो फिर राम भक्ति जगत में कौन प्रचार करेगा। उसी तरह जब श्री प्रिया प्रियतम जा रहे थे ये तोता भी तैयार हुआ, फिर मैं भी चलूंगा। बोले अगर तू चले जाओगे तो जगत में भक्ति कौन प्रचार करेगा। शंकर जी अपना दिव्य दृष्टि से उसने सब कुछ चीज को देखा, वही तोता है जिसको भगवान छोड़ करके गए थे जगत में भक्ति प्रचार करने के लिए। शंकर जी समझ गए कथा सुनाना सार्थकता हो गया, यही तोता ही सुखदेव बन करके आएंगे और जगत में ये भागवत कथा सर्वत्र ये प्रचार प्रसार करेंगे। बोले श्री सुखदेव महाराज की। अरे जोर से बोलो। बोले श्री सुखदेव महाराज की। हाँ देखो ये भागवत कथा के कितने महत्व है। शंकर जी स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व प्राप्त किया। माता पार्वती वो भी पहले शरीर छोड़ती रही, लेकिन कब से शरीर छोड़ना बंद हुआ? जब से उन्होंने ये भागवत कथा सुनी। स्वयं शंकर जो देवदेव महादेव जो सत्यम शिवम सुंदरम जो देवी देवी महादेवी जो माता पार्वती, कभी यही भागवत कथा सुन करके ही अमरत्व की प्राप्ति की। अगर हम भी ये कथा को सुनेंगे ना एक दिन भैया हम भी एक दिन अमरत्व को जरूर हम प्राप्त करेंगे। इतने महिमा ये कथा की। इसलिए कथा सुनने का पहला लाभ है हम अमरत्व प्राप्त करेंगे। बोले कथा की दूसरा लाभ क्या है? बोले तप्त जीवन। हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, दुखी दुखी संसार में। लेकिन ये दुख का कष्ट कैसे खत्म होगा? राधा रानी खुद कहती है ये जो उत्तप्त जो जीवन है अगर ये भागवत कथा को सुनेगा तो उसको जीवन में शांति मिलेगी। देखिए इसका प्रमाण देख लो। हम संसार में किसी ना किसी तरह से सब दुखी है, दुखी है कि नहीं संसार में? लेकिन यहाँ पर जैसे 2 घंटा 2.5 घंटा बैठोगे ना आप, बताओ संसार का कोई दुख तुम्हें याद है? कोई दुख कष्ट याद है क्या? क्योंकि जो कथा सुनते हैं ना वो ठाकुर जी की गोद में बैठे हुए रहते हैं, लेकिन केवल आप ये गेट से बाहर चल जाओ, केवल ये गेट से प्यार बाहर रखो, संसार का सारे दुख पहाड़ जैसे सर पर आकर बैठ जाएगा। घर में जाने पर ये दिक्कत, घर में ये लड़ाई, घर में ये झगड़ा, लेकिन जब तक कथा में बैठे रहोगे ना ये दुख कष्ट आपको सता नहीं सकते। क्यों? आप ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में आप बैठे हो यहाँ पर। इसलिए कथा सुनने का दूसरा लाभ है समस्त दुख कष्ट से मुक्ति मिलेगी। बोले तीसरा लाभ क्या है? कद श्रवण मंगलम। जो ये भागवत कथा सुनेगा जीवन में कभी उसका अमंगल नहीं आएगा, जीवन में उसको
मंगलमय मंगल रहेगा, अमंगल उसके जीवन में आएगी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं इसका जो चौथा लाभ क्या है, तब कथा मृतम तब जीवन मल कभी भी ऋणितम। कहते ये कथा को गान करने वाले कौन है, कथा को बोलने वाले कौन, बोले साधारण व्यक्ति नहीं। सर्वप्रथम ये भागवत कथा ये ठाकुर जी की मुंह से ही ये चतुश्लोक रूप में निकला है। ब्रह्मा जी को उन्होंने चतुश्लोक रूप में दिए, वही चतुश्लोकी ही धीरे धीरे ये 18,000 श्लोक रूप में परिणत हुआ। पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी व्यास को दिए, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव श्री सुतो गोस्वामी परिणित महाराज को दिया। बोले ये कथा को बोलने वाले कौन है, शंकर स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं। ये कथा को बोलने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं पंचमा लाभ कल्पसा अपहम, ये कथा को जो सुनेगा बोले संसार में दुख कष्ट क्यों आता है, कहते ये पूर्व जन्म का पाप का फल है। लेकिन जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा ना, उसकी सारी जो कलमस है, समस्त जो पाप है, ये सारे पाप उसकी नष्ट हो जाएगी जो कथा को श्रवण करेगा। देखो रामायण में एक कथा की ध्यान देकर सुनो, ये वाल्मीकि ये बात को कहते हैं। अगर कोई अनजान में भी कथा में आकर बैठ जाए, आपको पता नहीं ये कथा पता होती ही क्या, लेकिन आप अनजान में आकर कथा में बैठ गए, देखो इसका क्या फल। ये वाल्मीकि स्वयं कहते हैं, बोले एक समय की बात है जहां पर श्री वाल्मीकि का आश्रम था, कहते वहां पर दो पति पत्नी आकर के रहते थे, पति पत्नी आकर के रहते थे। कहते ये बात को एक समय से एक ऋषि हुए जिनका नाम था विभाट ऋषि। ये मध्य जगत में एक राजा रानी थे जिनका नाम सुमति और सत्यवती थी, लेकिन देश का राजा रानी होते हुए भी वहां पर भगवान राम दरबार था। 3 रात दोनों पति पत्नी भगवान राम की सेवा करते थे, भगवान राम की कथा सुनते थे। अगर समय हो तो दोनों बैठ करके माला ले करके बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पति जिनकी पूर्व जन्म की बात याद है, बोले 4 जन्म की मेरी बात याद है। बोले 4 जन्म की, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले 4 जन्म पहले मेरी जो पत्नी है इसका नाम थी काली, इसने तो अपना पति वही काट दिया था, सर काट दिया था, मार डाला था, इसको परिवार वाले निकाल दिए थे। मेरा नाम था मालती,
मैं महादुष्ट था, ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो मैं पाप कर्म नहीं की, मेरे को परिवार लोगों मेरे को घर से निकाल दिया। हम दोनों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को पास में रहा करते थे, जानवर को मार कर खाते थे, लेकिन दोनों जब वृद्धों हो गए, जब हमसे शिकार नहीं हो पाया, बड़ी कष्ट से हम अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे। एक व्यक्ति बड़ी कठिन से बीत रहा था, उसी समय नवरात्रि का समय था। हमने देखा वाल्मीकि आश्रम में कुछ लोगों को एकत्रित होते हुए, हमने कहा इतने लोग आज यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए। दोनों पति पत्नी वहां पर गए, हमने सुना है यहाँ 9 दिन तक प्रभु राम की कथा हो, आज जो व्यक्ति प्राण कथा में आएंगे कथा को बाद में फलाहार की व्यवस्था। हमने सोचा वाह बढ़िया हो गया, अभी तो 9 दिन तक कोई खाने पीने का कोई चिंता नहीं, आश्रम में चलो बैठो प्रभु की कथा सुना, और हमें ऋषि मुनि लोग हमें फलाहार दिया करते थे। हमने ऐसे 9 दिन तक बिताया। जब कुछ दिन बाद में हमारी मृत्यु हुई, अभी 3 जमदूत पकड़ करके ले गए जमपुरी में, चित्रगुप्त को बोले इसका काफी बोलो कितने पाप और पुण्य किए। चित्रगुप्त बोले इनका तो कोई पुण्य है ही नहीं, दोनों ही महा बदमाश दुष्ट है। बोले देखो तो सही, थोड़ी बहुत तो कुछ होगा। बोले हाँ एक पुण्य है, और नवरात्रि का समय में वाल्मीकि आश्रम पर प्रभु राम की कथा हो रही थी, ये दोनों ने 9 दिन तक प्रभु की कथा सुने और उसके बाद में प्रसाद पाए, इतना पुण्य और कोई पुण्य नहीं है। हमें पता नहीं था कथा की इतने महत्व है। इतना सुन करके जब महाराज चित्रगुप्त के सामने सारे पाप को उन्होंने काट दिए, सारे पाप को उन्होंने काट दिए, बोले ये दोनों को रमा वैकुंठ में भेज दिया जाएगा। वहां पर हम लोग ने 100 साल तक रहे, इतने ऐश्वर्य हमने भोग की आपको मैं बता नहीं सकता। 100 साल के बाद में फिर हमें ब्रह्मलोक में भेज दिया गया, वहां पर भी जितने ऐश्वर्य हमने भोग की, उसको बाद में इंद्राणी बन करके स्वर्ग में फिर आए, वहां भी 100 साल तक ऐश्वर्य भोग की। जब 100 साल खत्म हो गया, अभी इसी मर्त जगत में संपूर्ण पृथ्वी को ऊपर हम राजत्व कर रहे हैं, अभी तो हमारी ठाट बड़ हम देख रहे हो। हमें ये 4 जन्म की बात याद है, अगर अनजान में बैठ करके प्रभु की कथा और प्रसाद सुन करके इतने महिमा हो सकता है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी समय को नष्ट नहीं करते हुए प्रभु राम की सेवा करते हैं, राम की कथा सुनते हैं, राम की नाम लेते हैं, इसको बाद में फिर संसार में हमें जन्म लेना नहीं है। ठाकुर जी हमें अपना दिव्य सांकेत धाम को स्थान दे देंगे, प्रभु की दिव्य वैकुंठ धाम में हमें स्थान मिलेगा। इसलिए अनजान में कथा सुनने पर इतने महिमा, अगर कोई जान बूझ कर कथा सुने ना, आप सोच नहीं सकते ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा में ऑटोमेटिक ना सबके सब फट जा रहा है। जानते हो कैमरा किसकी है? ये चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन है? संपूर्ण जीवन का जो लेखा जोखा कर रहा है उसका नाम चित्रगुप्त। क्यों? चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके। जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने आप ऑटोमेटिक कैमरा में सबके सब ऊपर में सबके सब लोडिंग बना रहे हैं। जब ऊपर जाओगे ना वहां पर रील चलेगा। आप लोगों ने यहाँ 7 दिन तक भी भागवत कथा सुनी है। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। इसलिए राधा रानी कहती है भैया जितने तुम्हारे पाप है ना, इस कथा के द्वारा सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगी और जीवन में मंगल मंगलमय तुम्हारी होगा। इसलिए इसका जो सब छठवा लाभ है, बोले स्त्री, स्त्री मतलब क्या? शोभा, ऐश्वर्य, धन दौलत। कभी जो कथा सुनते हैं उनकी घर में भी धन दौलत स्त्री सब कुछ घर में बढ़ोतरी होती, सब चीज बढ़ती रहती है। बोले ना मतलब क्या? बोले संसार का जो बंधन है, जो कथा सुनेगा संसार का सारे बंधन भी खत्म हो जाएगी। इसलिए राधा रानी कहती हैं जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान किया? बोले भूरिता जना, ये भागवत कथा को जो दान करते हैं, कहते इससे बड़ा दान जगत में कुछ हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये भागवत कथा की आयोजन की है,
कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किस ना किसी तरह से अगर कोई मदद किया है ना, आप सोच नहीं सकते इसका पुण्य कितना है। इसलिए आप लोग ताली बजाओ, हम लोग बोलिए जो भी भागवत कथा का आयोजन किया है, बोला श्रीमद भागवत कथा मृतम की। हाँ देखो, ये जो भागवत है इसका नाम भागवत, ये चार अक्षर है। क्योंकि ये चार ही अक्षर में ही ये भागवत का सारे रहस्य इसमें छुपा हुआ है। बोले भाती सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादि वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरणी च भवार्णव। बोले भा पहला अक्षर, बोले भा मतलब बोले प्रकाश, बोले जिनकी प्रकाश केवल भारत में ही, ये श्री उद्धव जी कह रहे हैं। मेरे गुरु जी मेरे को कथा सुनाए थे, बोले जिस समय भगवान दुनिया को सृष्टि की, सर्वप्रथम ने तीन देवता को सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम में सृष्टि करना, ब्रह्मा जी बोले ये सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। ठाकुर जी बोले अगर ये सात दिन तक ये भागवत सुनोगे, ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं कर सकता है, और भागवत का प्रभाव से तुम सृष्टि कर सकते हो। इतने में भगवान विष्णु आए, बोले आपका आशीर्वाद से मैं जगत को पालन कर सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। बोले आप भी कथा सुनो और सुना। देखो कथा के कितने महत्व है, जब स्वयं नारायण कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी स्वयं बैठ कर कथा सुनती है। बोले कितने दिन तक, एक महीना में कथा को पूरी करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाते हैं, फिर नारायण भी बैठ कर कथा सुनते हैं। बोले मैया लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती है, बोले दो महीने। इसलिए नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं, लक्ष्मी उससे भी ज्यादा सुंदर कथा करती है। क्या क्या कहते हैं। इतने में श्री शंकर जी आए, बोले संघार का काम ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से कैसे मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जी बोले कथा सुना और सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं एक साल तक, क्योंकि शंकर जी कौन है, बोले वैष्णवा नाम यथा सम्भो। शंकर जी भगवान के सबसे प्यारे भगत श्री भोले बाबा है, इसलिए शंकर जी इतनी सुंदर कथा सुनाते हैं, उसको व्याख्या करते हुए एक साल में कथा के विश्राम होता है। अभी माता पार्वती वैष्णव भी है, मैया पार्वती भी कथा सुनाती है, शंकर जी सुनते हैं बैठ कर। कितने दिन में कथा पूरी करती है, बोले दो साल। बोले शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं ना, उससे ज्यादा सुंदर माता पार्वती सुनाती है, पार्वती सुनाती कथा का। इसलिए पार्वती की कथा शंकर कथा से ज्यादा सुंदर है। इसलिए यहाँ पर देखो आप बता, किसके पुरुष लोगों का संख्या ज्यादा ना, माताओं का संख्या ज्यादा है, और बोलो किसकी संख्या ज्यादा है, और बोलो माताओं का संख्या ज्यादा है ना। इसलिए ये बात समझो, पुरुष लोग ही कथा कर सकते, माताएं नहीं कर सकती। आप लोग भी कथा कर सकती हो, कथा को प्रचार कर सकती, ठीक है ना। आप लोग भी जगत में भगवान की भक्ति को जगत में प्रचार करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए इसका पहला अक्षर भा, भा मतलब होता है प्रकाश है, जिसकी प्रकाश सर्वत्र इसी प्रकाश है। बोले गा मतलब क्या होता है, बोले गीयते नारदादि की, जिस कथा को नारदादि ऋषि लोग भी जिस कथा को गान कहते हैं। बोले बा मतलब वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। इसलिए आगे हम श्रवण करेंगे जितने सारे ग्रंथ श्री व्यास देव जी ने लिखे हैं, लेकिन इस सारे ग्रंथ को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिली, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथों को रचना की। इसलिए जितने ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यदि ये श्रीमद भागवत ग्रंथ है, इसलिए बोले बोले अर्थयम् ब्रह्म सूत्राणाम् भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपसौ वेदार्थ परिभिर्मित। बोले ये भागवत क्या है, बोले अर्थयम् ब्रह्म सूत्राणाम्। बोले ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है, गायत्री के भाष्य है, महाभारत का सार है,
समस्त वेद पुराण का सार ये भागवत है। जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं तो और किसी ग्रंथ पढ़ने का सुनने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए वरिष्ठ सर्वशास्त्र सु और जो चुकता है बोले ता मतलब क्या बोले तरणी जवाहर नवा। अगर भव सागर से कोई पार होना चाहते हैं परम आनंद को कोई प्राप्त करना चाहते हो क्या करो बोले ये श्रीमद भागवत कथा को श्रवण करो इसी से ही संसार से हमारी पार होगी। बोले श्रीमद भागवत कथा प्रीतम की जय जय श्री राधे जय जय Thank you.
पुराण में और एक स्कंद पुराण में।
बोले भैया भागवत स्वयं भगवान ठाकुर जी है, पर इनकी महिमा की क्या जरूरत है। बोले हम कलयुग का जीव है ना, जब तक किसी महिमा को नहीं समझते हैं उसमें समय को हम नहीं देंगे, इसलिए भागवत ग्रंथ की महिमा को बताना पड़ा। लेकिन जब ये भागवत कथा की महिमा कौन सा ग्रंथ में, बोले पद्म पुराण और स्कंद पुराण। फिर प्रश्न करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये भागवत ग्रंथ कब व्यास ने कुछ रचना की, जब उनने समस्त शास्त्रों को उनकी रचना की, मन को उनको शांति नहीं मिली तभी उन्होंने भागवत ग्रंथ बनाया। ये अंतिम कृति भागवत ग्रंथ, उसको पहले सारे पुराण रचना कर चुके थे। लेकिन एक प्रश्न आता है, एक व्यक्ति का महिमा कब होता, जब जन्म होकर के बड़े हो तभी तो महिमा होगा ना। लेकिन अभी तो कोई ग्रंथ बना ही नहीं, उसको पहले कैसे ग्रंथ में महिमा आ गई। इसका तात्पर्य कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है नित्य है। ये मत समझो व्यास ने इसको रचना की, बोले नहीं, जैसे भगवत गीता कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश द्वापर युग में दिए, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, बोले अर्जुन ये मत समझो ये गीता का ज्ञान अभी तुम्हें दे रहा, नहीं, इसकी ज्ञान मैंने वैवस्वतो मन्वंतर में वो सूर्य को भी ये मैंने ज्ञान दी थी, अभी वो ज्ञान में तुम्हें दो बार दे रहा हूं। उसी तरह की जो भागवत ग्रंथ नित्य है, जैसे कहते हैं ना, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाति। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, जब जब इसी संसार में अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि हो, मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के जगत में धर्म को मैं स्थापन करता हूँ। इसलिए जैसे भगवान श्री मत्स्य अवतार लेकर के चतुर्वेद को धारण किया, कुर्मा अवतार लेकर के मंदराचलम पर्वत को पृष्ठ पर धारण किया, वराहा अवतार लेकर के पृथ्वी को उद्धार की, नरसिंह अवतार में उन्होंने प्रह्लाद को रक्षा की, वामन अवतार में बलि महाराज को कृपा की, रामा अवतार में रावण को वध किया, उसी तरह कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं ये कलयुग का जीव को कल्याण करने के लिए ठाकुर जी दोबारा इस जगत में श्री भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्रीमद भागवत ग्रंथ महाराज की। इसलिए भगवान की जितने लीलाएं जितने अवतार हैं वो नित्य है, उनका नित्य वैकुंठ बोलो वृंदावन वैकुंठ है, लेकिन जब जब जरूरत होता है जगत में प्रकटित होते हैं। इसलिए श्री पद्म पुराण में जब श्री सुखदेव गोस्वामी ग्रंथों को प्रारंभ करते हैं, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रथम श्लोक में उन्होंने श्री कृष्णाय वयम नमः भगवान कृष्ण के चरण में प्रणाम कर दिया। बोले क्या अकेले कृष्ण के चरण, बोले नहीं, बोले श्री श्री मतलब उनकी शक्ति स्वरूप शक्ति लादिन शक्ति श्री राधा जी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं अकेले कृष्ण को पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अकेला कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी है। राधा अनादर करे अभिमानी, बोले कभी ना करमी ता कर संग चित्ते इच्छा से जति ब्रज रस रंग। अगर किसको ब्रज भक्ति पाने की इच्छा है, भैया ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो अकेले कृष्ण को पूजा करते। इसलिए आप लोग वृंदावन में गए कि नहीं, कौन कौन वृंदावन गए हो हाथ में, यहाँ के तो लोग बड़े अच्छे हैं, सबके सब वृंदावन गए हैं। इसलिए आप वृंदावन में देखना किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा, किसके नाम लेते हैं जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बोले वृंदावन में सबके श्री ईश्वर जी का नाम, बोले क्यों कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते। कभी जो ब्रजवासी लोग बड़े चतुर थे, ये बड़े चालाक हैं, उनको पता है, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं
फलना शब्द कुर्बत तस्मात् ददामी भक्ति उत्तम धास शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभा। बाकी भी आदि कहते हैं अगर कोई राग खैर बोल दिया ना तो मैं तो बड़े चिंता में पड़ जाता हूँ, उसको मैं क्या दू। ये राग खैर का इतने महत्व है, कृष्ण कहते मैं खुद को खुद उसको दे देता हूँ, आज से मैं तेरा ही हो गया है। अगर कोई धा बोलते ये राग धा ये दो अक्षर को सुनने के लिए कृष्ण उसको पीछे 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 भागते रहते हैं। इसलिए एक भजन है ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, खुद कहते हैं राधा रानी की महिमा। देखो कितने महिमा, क्यों ये ब्रजवासी लोग राधा जी का नाम लेते हैं। कृष्ण चंद्रमा को कह रहे हैं, बोले हे चंद्रमा, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतम, जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा कितम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा अगर मेरे नाम को कोई 100 बार ले ले, एक बार श्री राधा जी का नाम ले तो एक राधा जी का नाम के समान मेरे 100 नाम के बराबर। कृष्ण खुद कहती बात, और जो एक बार राधा जी का नाम ले कितना बार कृष्ण का नाम हो जाएगा, कितना बार लेना हो जाएगा 100 बार। इसलिए हम लोग जो महामंत्र गाते हैं ना, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम मतलब किया है। इसका मूल शब्द हरा वो संबंधन में हो जाता है हरे, जो कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को जो हरण करती है वो हरा से ही हरे, मतलब हे राधिके। इसलिए भाग किए मंगलाचरण का प्रथम श्लोक में श्री जुगल सरकार को ध्यान करते हैं, बोले वयम नुमः, हम सबके सब ठाकुर जी के चरण में अहंकार छोड़ करके उनके चरण में शरणागति होते हैं। बोले भैया शरणागति होने से क्या लाभ, बोले 6 लाभ मिले। कितना लाभ मिलेगा देखो, कितना ठाकुर की चरण में शरणागति कितना लाभ, बोले सचिदानंद रूपाय, बोले भगवान के 3 स्वरूप है सत चित और आनंद, और हमारे शरीर किस चीज में बनी हुई, बोले खिति जल ताप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये हमारे शरीर मिट्टी वायु आकाश जल से बना हुआ, ये अधम शरीरा, अंदर में टाटी पेशाब खून पीट और कुछ यही नहीं। बोले ठाकुर का शरीर, बोले नहीं, जो ठाकुर जी का शरीर है सत्य स्वरूप है भगवान, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, इसे 3 चीज भगवान में विद्यमान। आप देखना हम जिंदगी भर यही 3 चीज को ढूंढते हैं, क्योंकि पिताजी का गुण बच्चे में है ना, भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण जगत में 125 साल तक ठाकुर जी थे, लेकिन देखना ठाकुर जी का स्वरूप में कोई बूढ़ा देखते हो, ठाकुर कोई बूढ़ा हुए 14 साढ़े 14 साल से ज्यादा उम्र होती नहीं,
राधा रानी का उम्र 13.5 साल से कभी ज्यादा होती ही नहीं। इसलिए आप देखना, आप बताओ जगत में कौन बूढ़ा बनना चाहते हो? कोई चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो। एक बाल अगर पत्तिया उसको बुखार देती है, बोले क्यों? हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, चबन प्राप्त खाते हैं, जीव चाहते हैं। क्यों? हम कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहते। भले 100 साल की हो गई, शीशा में अपना मुंह को देखो, लग गया जैसे कल ही जन्म हुए। कोई सोचते हैं जितने भले ही जितनी उम्र हो जाए, भले ही जितना उम्र हो जाए, कभी सोचते तो हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए? नहीं। क्यों? हमारा जो ठाकुर है ना, हम उनकी अंश है। ममई मांस जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान जैसे सनातन हम भी सनातन है, वो गुण हमारे अंदर में है। दूसरा स्वरूप भगवान ज्ञान स्वरूप है। देखना जिंदगी भर कोई PhD, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनना चाहते, भले ही कोई मूर्ख हो उसको बोल दो तेरे दिमाग नहीं, बोला मेरा नहीं ना तेरा नहीं, मतलब कोई भी अपने आप को मूर्ख बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन भगवान आनंद स्वरूप है। देखना जिंदगी भर हम आनंद ही ढूंढ रहे हैं, आनंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये तीन चीज हमें क्यों नहीं मिल रहा है? बोले कारण है, जहां मिलनी चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, हम गलत जगह पर ये चीज को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज नहीं मिलती। बोले मिलेगा कब? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। जब ठाकुर जी के चरण शरण में जाएंगे तभी ये चीज हमें मिलेगा। जैसे हनुमान जी को हर समय अजर अमर प्राप्त किए हैं, कृष्ण की जितने गोपियों को सखाओं को छवि देखना, कोई बूढ़ा दिखते हैं? कोई 7, 11 साल, 9 साल, 10 साल, 13.5 साल से भी उम्र ज्यादा नहीं होती है ब्रज में, सब नवकिशोर है। और तीसरे चीज, ये तीन चीज मिलेगी फिर, बोले तापत्र अविनाशाय। ये जगत में तीन तरह का दुख है, एक मानसिक कष्ट है, एक देवता का द्वारा कष्ट है, और एक है आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक। एक इंसान से दुख कष्ट हमें मिलता है, संसार में सबको ये कष्ट मिलेगा। बताओ मानसिक कष्ट किसकी है? नहीं, सभी की मानसिक कष्ट है, और सब सबके लिए देवता का द्वारा कभी आंधी तूफान ज्यादा बारिश आ गई, कभी भूचाल आ गया, सबको भोगना पड़ता है। और एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट है, यदि ये दुख कष्ट कब जाएगा? जब हम ठाकुर जी की शरण में जाएंगे तब ये समस्त दुख कष्ट हमारी दूर हो जाएगी। इसलिए ये सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित को ये कथा सुनाए, कथा विश्राम होने पर गोलोक वृंदावन से विमान आया, और वो विमान में बड़ी सुंदर एक सखी स्वरूप धारण करते हुए बैठे, और उनने भूर भूव मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए जब गोलोक वृंदावन गए, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले परीक्षित महाराज कुछ किया ही नहीं, केवल कथा में तो बैठे और क्या किया, और बैठ करके सीधा कहां चले गए? गोलोक वृंदावन गए। इतने में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में के तराजू लाए, एक तरफ में जगत का जितने सत्कर्म है, जगत का जितने दान पुण्य को एक तराजू में एक तरफ में, और दूसरे तरफ में ये भागवत कथा सुनने का फल को धर दिया। उन्होंने देखा जिधर भागवत कथा की फल रखा वो तो एकदम पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जितने पुण्य सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला ये भागवत कथा को सामने जगत का कोई भी पुण्य हम कभी बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर भागवत कथा चलते रहे। उनका बेटा कौन है? चतुसन है, और उनके नारद जी बेटे हैं, सबके सब महाभागवत है। इसलिए तब से ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर ये भागवत कथा चलती रहती है। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, बोले परीक्षित महाराज की। इसलिए भागवत में दो कथा आती है, एक ज्ञान वैराग्य और एक होता है गोकर्ण में धुंधकार। ये दो कथा भागवत में आती है। हमारे बीच में एक प्रभु जी है, आपको अभी इसी कथा के ऊपर में आपको सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे। ये गोकर्ण धुंधुकारी और भागवत कथा सुनकर ज्ञान वैराग्य कैसे जवान हुए, और कैसे कृष्ण कीर्तन में नाच उठे, हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु इसी विषय पर आपको सुनाएंगे।
एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम आराध्य दम श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टो दर्शक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पादष्टो दर्शक श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली भक्तिमती माताएं सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य जन्मदिन। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। अनंत अनंत सूर्यों के प्रभाव को भी कम करती हुई श्रीमद् भागवती वार्ता, आज श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को हम विशेष करके गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी श्रवण किया कि इस प्रकार पद्म पुराण और स्कंद पुराण, इन दोनों ही पुराणों में भागवत की महिमा का वर्णन है, और विशेष करके हम जैसे कलियुगी जीवों के लिए किसी चीज के महत्व को जब तक बार 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 बोला नहीं जाए हम उसकी महिमा को नहीं समझेंगे। इसलिए भागवत कथा को श्रवण करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या इसको श्रवण करके प्राप्त होगा, उसी के विषय में आज संपूर्ण दिवस हम चर्चा कर रहे हैं। श्री शुक्ल गोस्वामी श्री पद्म पुराण के अंतर्गत जब श्री भागवत कथा का की महिमा का वर्णन करते हैं, वो इसको आरंभ करते हुए कहते हैं कि एक समय नारद जी वे बड़े चिंतित होते होते और बद्रिकाश्रम में भ्रमण कर रहे थे। अभी नारद जी जब वहां भ्रमण कर रहे थे चतुसन से मुलाकात हुई, चतुसन का दर्शन करके नारद जी बड़े आनंदित हो गए और उनसे प्रश्न करने लगे। चतुसन नारद जी से प्रश्न करते हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बड़े चिंतित हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? साधु तो सब समय आनंद में रहता है, साधु को तो कोई सांसारिक चिंता रहती नहीं। अरे साधु अगर इस तरह से लटका हुआ मुंह लेकर चिंतित होकर भ्रमण करेगा तो फिर गृहस्थों का क्या होगा? गृहस्थ लोग अपने घर जंजाल परेशानी से दुखी होकर तो साधु के पास में आते हैं अपनी चिंताओं का समाधान के लिए, लेकिन आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी चोर ने आपका कोई धन लूट लिया हो। उस समय पर नारद जी चतुसन से कहने लगते हैं कि देखो मैं सत्संग का प्रेमी हूं और सत्संग की आशा से ही मैंने इस भारत भूमि को पुण्य भूमि जान के, इसको पवित्र भूमि जान के मैं यहाँ पर आया था। सब तीर्थ स्थानों में भी गया, बोले कहाँ कहाँ, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले मैंने इन सभी तीर्थ स्थानों पर भ्रमण किया और सभी स्थानों पर जा जाकर बड़ी आश्चर्य घटना देखी। बोले क्या? मैंने जाकर देखा कि पाखंडी निरता संतों, वहां पर जो तथाकथित संत भजन करने के उद्देश्य से विराजमान हैं, सब प्राय पाखंडी हो गए हैं, सब प्राय पाखंडी हो गए हैं। भजन से उद्देश्य नहीं, भागवत कथा से उद्देश्य नहीं, भागवत का क्या अर्थ है उससे कोई उद्देश्य नहीं, भागवत कथा करने से अर्थ कितना लाभ होगा, आजकल उसी को लेकर समस्त संत पागल है, प्राय करके संसद की ऐसी कंडीशन है। बोले तीर्थ स्थान में जब मुझे शांति नहीं मिली मैंने सोचा गृहस्थों की तरफ चलता हूँ, लेकिन गृहस्थों में भी ऐसा ही देखा। बोले क्या देखा? बोले करुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायक।
प्राय गृहस्थों के घर में मैंने एक आश्चर्यचकित घटना देखी कि मैडम जी ने कह दिया उठो तो उठते हैं, मैडम जी ने कह दिया बैठो तो वहीं पर बैठ जाते हैं। तरुणी प्रभुता के है, जैसे जैसे मैडम जी का आदेश होता है वैसे वैसे स्वामी को मानना ही पड़ेगा और शालको बुद्धिदायक। घर में एडवाइजर कौन है? बोले साले साहब। उनके लिए सीट रिजर्व कर रखी है, जब जब भी परामर्श की आवश्यकता होती है साले साहब आकर एडवाइस देते हैं। कन्या विक्री पे लोभा, अरे बेटियों को बेच बेच कर शादियों में इतना दहेज मांगते हैं, ये सारी बेटियों को बेच बेच कर और सब अपना पेट पालन कर रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति को देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हो गया और मैंने सोचा वृंदावन भगवान की जन्मभूमि है, वृंदावन भगवान की क्रीड़ा स्थली है, निश्चित रूप में यमुना जी वहां पर कलकल नाद से बहती है, यमुना जी के तट पर जाकर मेरे चंचल मन को बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन वहां पर आकर भी मेरे मन को शांति नहीं, बड़ी एक आश्चर्यचकित घटना देखी। बोले क्या देखा? मैंने देखा एक तरुणी बड़ी सुंदर युवती रत्न सिंहासन पर विराजमान थी। वो रत्न सिंहासन के चारों ओर दास दासियां, कोई उसको चावल ढुला रही है, कोई उसको पंखा झुला रही है, किसी के हाथ में पान की बिड़िया है, कोई जल और शरबत लेकर खड़ी है। लेकिन इतना होने पर भी वो तरुणी क्रंदन कर रही है, वो रो रही है, आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही है और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। मैं साधु पुरुष, मैंने सोचा रोने धोने से हमारा क्या लेना देना। मैं वहां से जैसे जाने लगा तब उसी समय पर वो युवती मुझे पुकारने लगी, भोगो साधु शनम तिष्ठम मच्चित्ता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अधरम परम। भोगो साधु शनम तिष्ठम, अरे साधु बाबा कहां भागे जा रहे हो, हमारी चिंता का जरा निवारण करो, हम बड़े दुखी हैं, आप मेरी चिंता को भी दूर करो। आप जैसे साधुओं का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है, इसीलिए मेरी जरा बात तो सुनो। नारद जी प्रश्न करने लगे, काशी तुम कौन हो देवी? तब उस समय पर भक्ति देवी अपना परिचय देती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरा। नारद बाबा मेरा नाम भक्ति है, मेरी नाम भक्ति है और आप सामने ये जो दो पुरुष वृद्ध पुरुष देख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। मैं तो यहाँ पर युवती होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान हूँ लेकिन इतनी दयनीय स्थिति है, काल योगेन जर्जरो, मेरे ये दोनों पुत्र वृंदावन में आकर और बूढ़े हो गए। नारद जी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, भैया माँ तो 20 साल की जवान लड़की और पुत्र 80 साल के वृद्ध, ऐसा कभी संभव है? माँ पुत्र को जन्म देती है, जैसे जैसे पुत्र बड़ा होगा वैसे वैसे माँ की भी आयु बढ़ेगी, तो माँ को तो पुत्र से ज्यादा वृद्ध होना चाहिए। ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता कि माँ एकदम तरुणी हो और पुत्र वृद्ध होकर विराजमान। उस समय पर भक्ति देवी फिर से कहने लगी, बोले उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। नारद जी मेरा जन्म दक्षिण देश में हुआ, द्रविड़ देश में हुआ। आप लोग साउथ इंडिया गए हो कोई? साउथ इंडिया में यदि आज के समय पर भी जाकर देखेंगे वहां पर बड़े भक्तिमान लोग हैं, वहां की माताएं सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान ध्यान करके अपने घर के बाहर आंगन में लीपा लगाती हैं, बड़े सुंदर रूप में वहां पर रंगोली बना के और कलश केले के पत्ते इत्यादि से श्रृंगार करती हैं, बहुत सुंदर रूप में वहां पर ठाकुर जी की सेवा है। जो सारी ठाकुर की सेवा की परिपाटी है जिस तरह से दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है कहीं नहीं देखोगे। उत्तर भारत में तो देखोगे प्राय करके लोग एक दो सब्जी बना देते हैं, पूड़ी चावल कुछ बना दिया और ठाकुर को भोग लगा दिया, लेकिन दक्षिण भारत में और विशेष करके द्रविड़ देश में और उत्कल देश में ठाकुर की सेवा की पद्धति देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसलिए भक्ति देवी वहां पर नित्य विराजमान है, वो भक्ति देवी की जन्म स्थली है। भक्ति देवी कहती है उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं जब कर्नाटक में आई तब जाकर भी मुझे थोड़ा सा सम्मान मिला, मैं वहां पर मेरी वहां पर वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, महाराष्ट्र में भी मुझे कहीं कहीं पर सम्मान मिला, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई, गुजरात में आते ही मैं तो हो गई पूर्ण तरीके से बूढ़ी। अभी प्रश्न उठता है गुजरात में भक्ति देवी बूढ़ी क्यों हो गई? तो इसका उत्तर देते हैं कि गुजरात उस समय बड़ा नास्तिक देश था। पहले के समय पर गुजरात में कोई भक्ति भावना नहीं करता था, यदि कोई साधु भी वहां पर पहुंच जाता उस साधु को भी जब तक वहां से खदेड़ ना दे, साधु का बहुत मजाक उड़ाते थे, उसको बड़े परेशान कर देते थे।
कहीं चोटी देख ली किसी के माथे पर तो बोले ये क्या तुमने एंटीना रखा है सिग्नल कैच करने के लिए। किसी के सर पर ललाट पर तिलक देख लिया बोले लगता है किसी कबूतर ने तुम्हारे पीट कर दी। किसी को धोती कुर्ता में देखा तो बड़ा अजीब वेश बनाकर आए हो। साधु को जब तक उस देश से ताड़ ना दे जब तक भगा ना दे तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। लेकिन आज के समय पर पूर्ण रूप में विपरीत स्थिति है, पूर्ण रूप में विपरीत स्थिति। गुजरात जैसा भक्तिमान राज्य आज हमारे पूरे भारत में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा हुआ कैसे? पहले तो पूर्ण रूप में भक्तिहीन और अभी बहुत जाकर भक्तिमान। ऐसा कैसे? कहते हैं वहां पर बड़े बड़े संतों का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य, विट्ठल जी, ये सारे बड़े बड़े संत जो है, तुकाराम आपने सुना होगा, ये सारे संत गुजरात में जन्म लिए। और एक साधु, एक संत यदि किसी स्थान पर जन्म ले, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं तहार दर्शने कोटि योजन निस्तारे। एक वैष्णव के, एक शुद्ध साधु के किसी स्थान पर जन्म लेने से कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या। जिस कुल में वो वैष्णव जन्म लेते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। जिस माँ ने ऐसे संतान को जन्म दिया है उस माँ की कोख धारण करना सार्थक हो जाता है। उस साधु के चरण स्पर्श पाकर पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। वो साधु जब हाथ उठाकर नृत्य करते हैं तो उसके दर्शन करके देवता लोग भी आनंदित होते हैं। जितने दूर तक उस साधु की दृष्टि जाती है वो समस्त पवित्र कर देती है। इतनी इस महिमा इन साधुओं की। ऐसे साधुओं के जन्म लेने से, ऐसे साधुओं के प्रभाव से आज गुजरात इतना भक्तिमान देश है। भक्ति देवी कहती है कि गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई लेकिन वृंदावन की ऐसी महिमा, वृंदावन धाम की इतनी अद्भुत महिमा है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन ऐसी जन्मभूमि भगवान की, ऐसी दिव्य स्थली जहां पर भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति वहां पर नाचती है ताता थैया करके। इतनी वृंदावन धाम की महिमा। आप लोगों ने सुना होगा मीराबाई अपने भजन में लिखती है आली मोहे लागे वृंदावननी को, 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 लागे वृंदावननी को, सखी मोहे लागे वृंदावननी को, तो मैं ये स्थान छोड़कर भी विदेश चले जाऊंगी, मुझे और यहां पर अच्छा नहीं लगता। नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप में समझ चुका हूं। अरे वृंदावन धाम में आकर तुम नवयौवन को प्राप्त हुई हो लेकिन विशेष करके ये कलयुग का प्रभाव है।
इसलिए तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति है। तुम चिंता मत करो देवी, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुख गमिष्यति। अरे भगवान के दिव्य चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र को वापस नवयौवन बना दूंगा। भक्ति देवी ये सुन के तो इतनी आनंदित हो गई और नारद जी की यहाँ पर स्तुति करती है। देखो नारद जी का भी सुन रहे थे ना, नारद जी को प्राय करके एक गलत कैरेक्टर माना जाता है उनके नाम पे। सब लोग कहते हैं जैसे नारद जी का एक ऐसा टीवी शो में भी ज्यादा करके ऐसा ही दिखाया जाता है कि नारद जी हमें, नारद जी क्या करते हैं बोले लड़ाई लगा देते हैं। लेकिन नारद जी ऐसी पर्सनैलिटी है, नारद जी जैसे महापुरुष है, आप देखो बड़े बड़े जो संत हुए हैं नारद जी उनके गुरु हैं। वेद व्यास जी जिनके शास्त्र को सब अध्ययन करते हैं उन वेद व्यास जी के भी गुरु हैं श्री नारद जी। इसलिए नारद जी की महिमा साक्षात यहाँ भक्ति देवी गाती है, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्त्रिपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र नारद, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, जयति जयति। अरे आपके वचनों पर विश्वास करके कयादु पुत्र प्रहलाद कितने सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त हो गया, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की। हम लोग कहते हैं ना भक्त श्रेष्ठ किसके, श्रीमद नारद जी के उपदेश प्राप्त करके भक्त श्रेष्ठ, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो गए प्रहलाद जी। अरे आपके वचनों पर ही तो विश्वास करके ध्रुव महाराज को 6 महीने में ठाकुर दर्शन मिल गया, इसलिए आपकी महिमा तो मैं गान कर ही नहीं सकती, आप दया करके मेरे पुत्रों को भी नवयौवन प्राप्त करवाइए। नारद जी ने उस समय पर समस्त वेद पुराण उपनिषद समस्त बखानने लगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य में कोई भी चेतनता नहीं हो रही थी। जब नारद जी ने भगवत गीता सुनाई, भगवत गीता सुनकर ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा होश तो आया, लेकिन जैसे ही भगवत गीता समाप्त हुई पुनः वापस धड़ाम करके वहां पर मूर्छित होकर गिर गए। नारद जी विचार कर रहे हैं कि ये क्या, मैंने तो सब ग्रंथ शास्त्र जितना बड़ा बड़ा हैवी डोज दे दिया इनको, भगवत गीता साधारण नहीं है। या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्म विनिश्रित, अरे स्वयं भगवान के मुख निश्रित वाक्य भगवत गीता का कुछ श्रवण करने के बाद में भी इनको चेतनता नहीं आ रही। उस समय पर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कहती है ओ नारद बाबा तुम कोई सत्कर्म करो। नारद जी मनी मन विचार कर रहे हैं कि अब तक क्या हम असत्कर्म कर रहे थे, वेद शास्त्र जो हमने सुनाए हैं क्या वो कोई सत्कर्म नहीं थे। तो उस समय पर आकाशवाणी कहने लगी कि सत्कर्म क्या है ये तो कोई साधु ही बताएगा। अभी नारद जी जगह जगह पर भ्रमण करते करते यही पूछ रहे हैं कि भैया मैं क्या सत्कर्म करूं, यही चीज खोजते खोजते आए थे बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम में चतुसंत से मुलाकात हुई। चतुसंत को ये सारी बात नारद जी ने बता दी। अभी चतुसंत उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि बस इतनी सी बात, अरे ज्ञान वैराग्य को चेतनता प्रदान करने के लिए आपने भागवत ग्रंथ सुनाओ उनको, भागवत ग्रंथ के श्रवण करने मात्र से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करके नाचने लगेगी, इसलिए उन्हीं का श्रवण करवाओ। नारद जी कहने लगे कि हमें संशय है। बोले क्यों, बोले ये जो श्रीमद भागवत ग्रंथ है ये है क्या, बोले अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम, सभी वेदों का सार स्वरूप ये श्रीमद भागवत ग्रंथ है। अरे जब मैंने सारे वेद पुराण सुना दिए उससे चेतनता प्राप्त नहीं हुई तो भागवत में ऐसा क्या स्पेशल है। तब यहाँ पर चतुसंत बहुत अच्छे उदाहरण लेकर बतलाते हैं, आप लोग भी खूब ध्यान से समझिए भागवत ग्रंथ की कितनी महिमा है। चतुसंत कहते हैं कि यदि कोई विचार करे कि एक उसने आम का फल खाया, आम खाकर सोचा कि बड़ा मीठा है बड़ा टेस्टी है, इसीलिए अगर इस आम के अंदर इतना रस है तो इसकी टहनी में इसके पत्तों में इस पेड़ में कितना रस होगा, और ये विचार करके यदि कोई पेड़ की टहनी खाने लगे क्या वो मीठा लगेगा, क्या वो मीठा लगेगा। जिस प्रकार घी निकलता है दूध से ही, लेकिन जलते हुए प्रदीप के अंदर यदि कोई घी की जगह दूध डाले तो क्या वो बात बनेगी, नहीं बनेगी। जिस तरह से शक्कर निकलती है गन्ने के रस से ही, लेकिन उबलती हुई खीर के अंदर यदि कोई शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल दे तो क्या बात बनेगी, उसी तरह से नारद जी कहते हैं यद्यपि भागवत ग्रंथ निकला है समस्त वेद शास्त्रों से ही,
सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, लेकिन जो काम श्रीमद् भागवत करेगा वो समस्त वेद पुराणों द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या करिए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पाठ कीजिए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण करने मात्र से ही निश्चित रूप में ज्ञान वैराग्य दोनों नव यौवन को प्राप्त करेंगे। ये सुनते मात्र ही तो नारद जी आनंदित हो गए। और यहाँ पर नारद जी सत्संग की महिमा बता रहे हैं। नारद जी जैसे परम संत भी आज साधु संत की महिमा कह रहे हैं कि देखो मेरे को ये उपलब्धि कैसे हुई, जब आप जैसे साधुओं का दर्शन हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय ही तदो दैते विवेक। कहते हैं बड़े बड़े सौभाग्यवान जीवों को ऐसा सत्संग कभी कभी प्राप्त होता है। और कब होता है, बोले बहु जन्म समर्जितेन, कोटि कोटि जन्मों के यदि पुण्य इकट्ठे हो जाएं तब जाकर कोई साधु संत में आ पाता है। आज जो यहाँ पर बैठकर आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आज हमारी नगर संकीर्तन, कितना विराट नगर संकीर्तन हुआ, सभी को पैम्फलेट भी दिए गए, लेकिन कुछ सौभाग्यवान जीवों की ही सत्संग में रुचि हुई है जो कि यहाँ पर आकर ये भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। सबकी साधु संघ में भागवत कथा में हरि कथा में रुचि नहीं होती। साक्षात नारद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहु जन्म समर्जित है ना, अरे अज्ञान हेतु दिमत मोह अदांधकार, हम सारे उस अज्ञान से ग्रसित हैं। हम ये शरीर अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर एक आत्मा भी है। उस आत्मा का आहार है ये भगवान का भजन, हरि कथा, कीर्तन। तो इस अज्ञान दूर कैसे होगा, कहते हैं केवल मात्र साधु संघ से। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। केवल मात्र साधु संग में आने के बाद ही किसी को विवेक जागृत होता है, ये मानव जन्म की दुर्लभता वो समझ पाता है। नारद जी ने कहने लगे कि भैया ये सत्कर्म आप ही कर दीजिए, आप जैसे साधु पाना भी मुश्किल है। अगर आप कहते हैं भागवत ग्रंथ के श्रवण से ज्ञान वैराग्य को चेतनता प्राप्त होगी, आप ही वो भागवत कथा कीजिए। ठीक है, चतुर्संग ने वहां पर भागवत कथा करने के लिए रेडी हो गए। अभी कहते हैं करेंगे कहाँ, बोले हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर सब एकत्रित हो जाओ और वहां पर समस्त ऋषि मुनि देवता कन किन्नर सभी लोग वहां पर उपस्थित होकर पंक्तिबद्ध करके बैठ गए हैं। अगस्त ऋषि उनको तो चैन नहीं, सब घर घर में जाकर जो लोग नहीं आए थे उन सभी के पास जा जाकर सबको वहां पर निमंत्रण दे रहे हैं। जानते हो चतुर्संग भागवत ग्रंथ आयोजन कर रहे हैं, भागवत पाठ होगा, सप्ताह परायण, सभी एकत्रित होकर वहां पर उमड़ उमड़ कर आने लगे। और सभी वहां पर जब आ रहे थे, चतुर्संग ने उच्च आसन पर विराजमान होकर और भागवत की बड़ी महिमा गान कर रहे हैं। सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती वार्ताम् यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रयेत्। अरे भागवत ग्रंथ कोई सप्ताह परायण नहीं, सदा सेव्याम, एक दिन सुन लिया, दो दिन सुन लिया, सात दिन सुन लिया, एक महीना सुन लिया, बोले ना सदा सेव्याम, ये तो नित्य प्रति इसकी सेवा करने का विषय है। इसीलिए क्या करो, इस ग्रंथ का नित्य प्रति श्रवण करो। श्रवण करने से होगा क्या, ये भी तो बतलाओ। तब कहते हैं यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अरे भगवान चित्त चोर आपके चित्त में आकर विराजमान हो जाएंगे। और कैसे, बोले एक सूर्य की भांति। हमारा हृदय तो काम क्रोध लोभ इत्यादि सब गंदगियों से भरा पड़ा है, भला ठाकुर जी ऐसे गंदे स्थान पर क्यों आएंगे। तब उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारा कोई प्रिय बंधु हो, कोई हमारा बहुत ही डियर फ्रेंड, वो यदि हमारे घर पर आया है, उस घर पे आने के बाद में उसने देखा कि सामने चेयर पड़ी है लेकिन थोड़ी गंदी है, तो आपको नहीं कहेगा कि तू मेरे लिए चेयर तो साफ कर दे। क्या करेगा, पॉकेट से अपना रुमाल निकाला, चेयर को साफ करी और खुद वहां पर बैठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे परम सूहृद हैं, वो इस भागवत ग्रंथ के श्रवण से क्या होगा, हमारे इस मलिन हृदय में भी आने के लिए रेडी हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। और आकर भगवान की इतनी महिमा है, उनकी भक्ति की इतनी महिमा है कि भगवान की भक्ति यदि कोई करे तो भगवान की भक्ति इस हृदय को पूर्ण रूप में परिमार्जित कर देगी, इस हृदय को शुद्ध कर देगी और शुद्ध करके वहां पर भगवान के लिए सिंहासन उपस्थित कर देगी। इसलिए जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है वो तो बड़े ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग ठाकुर की भक्ति नहीं करते, गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन पे प्रगटी है, मान बड़ो धन धान बड़ो
यश कीर्ति हो जग में प्रगटी है। डोलत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र उसे कछु नाही घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भैया आपके पास बहुत धन धान्य हो, बड़ा सुंदर कलेवर हो, बहुत सारे गाड़ियां धन ऐश्वर्य आपके घर के बाहर विराजमान हो, लेकिन तब पर भी यदि ठाकुर का भजन नहीं करते, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, अरे मृत व्यक्ति का कितना ही श्रृंगार क्यों ना कर दो, क्या वो लाभदायक है? एक स्त्री बड़ी ही सुंदर श्रृंगार करके विराजमान हो, लेकिन यदि उसकी नाक कटी हुई हो, क्या शोभा पाएगी? उसी प्रकार भक्ति ही मानव की जीवन है। इसलिए वहां पर भक्ति जैसे ही भागवत की महिमा गान कर रहे थे, भक्ति देवी वहां पर नृत्य करती हुई विराजमान हो गई। सभी वहां पर इतने आनंदित हो गए, ज्ञान वैराग्य कहां, पहले तो बूढ़े होकर पड़े हुए थे, लेकिन यहां पर अपनी मैया के साथ में नृत्य करते करते और वहां पर विराजमान हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणी ग्रहित्वा प्रेमे करूप सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ती श्री कृष्ण गोविंद हरे देवी प्रश्न करने लगे कि सबको स्थान आपने दिया है, हमें भी तो कुछ स्थान दीजिए। नारद जी कहने लगे कि तुम जाकर सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाओ। इसलिए जो लोग श्रीमद् भागवत ग्रंथ का एकाग्र चित्त होकर श्रवण करते हैं, साक्षात भक्ति देवी उनके हृदय में स्थान प्राप्त करती है। नारद जी प्रश्न करने लगे कि इतना दिव्य ग्रंथ है जिसको श्रवण, जिसको पूर्ण रूप में नहीं, केवल मात्र महिमा सुनने से ही ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ में नव यौवन प्राप्त करके और नृत्य करने लगे हैं, लेकिन मेरा एक संशय है, क्या इस ग्रंथ को श्रवण करके किसी पापियों का भी उद्धार हुआ है? उस समय पर चतुसेन कहते हैं कि पापियों की तुम क्या कहते हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनां सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे जीवन में जिन्होंने पाप के अलावा और कोई काम ही नहीं किया हो, ऐसे पापियों का भी यदि उद्धार हुआ है तो केवल मात्र ये भागवत की सप्ताह परायण से। उस समय पर बड़ा सुंदर रूप में यहाँ पर धुंधुकारी और श्री आत्मदेव का चरित्र सुनाते हैं। ये चरित्र का हम लोग कल सुनेंगे, आज समय हो गया है। और देखो कल है एकादशी है ना, कल एकादशी। देखो भागवत को बीच में अगर एकादशी आ गई ना, समझो उसमें चार चांद लग गए उसमें, क्योंकि भागवत ग्रंथ ने एकादशी का महिमा भागवत में जैसे वर्णना की है और किसी ग्रंथ में वर्णना नहीं की। और एकादशी व्रत की इतने महिमा, हाँ 2 मिनट सुन लो, कौन कौन एकादशी रखते हो, हाथ रखो। यहाँ के तो बड़े अच्छे भक्त लोग हैं, हमारे हर्षो भैंस का प्रभाव है, इसलिए एकादशी बहुत अच्छी बात है। देखो 2 मिनट सुन लो, जो एकादशी की जो महिमा है, क्या इसको कल्पतरु व्रत बताया, आप लोग भी सुना, दूसरों को भी सुनाना। कल्पतरु व्रत मतलब, कल्पतरु कहते हैं
जिस वृक्षों को नीचे बैठ करके आप जो मांगोगे वृक्ष आपको वही देते हैं, उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। अगर किसी घर में बेटा नहीं, संतान नहीं, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रता है। हम आगे सुनेंगे, पहले नंदा यशोदा की बेटा नहीं था, कृष्ण नहीं थे घर में, उनने हर वर्ग का 12 व्रत कर चुके थे, लेकिन घर में किसी तरह से संतान नहीं था। लेकिन जब उन्होंने एक पुत्रता एकादशी व्रत की ना, घर में फिर कृष्ण स्वयं जन्म हुए, ठाकुर स्वयं घर में जन्म हुए, इसलिए इसका नाम है पुत्रता एकादशी। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिनके घर में पैसा की कमी है, अगर ये इंदिरा एकादशी कर घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिनके घर में अन्न शस्य की अभाव है, अगर वो एकादशी व्रत कर तो घर में अन्न शस्य की भरपूर रहती है। एक एकादशी का नाम है विजया, अगर वो एकादशी कोई करेगी ना, आप कभी हारोगे नहीं, किसी काम में भी जाओगे सर्वदा तुम्हारी विजय होगी, इसलिए विजया। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से हम चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएंगे। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, ये पाप मोचनी एकादशी इतने बड़ी एकादशी है, कोई भी पाप क्यों नहीं हो, अगर ये एकादशी व्रत करते हैं समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। आप लोग देख लेना, जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर में साल साल पड़े हुए हैं, किसी तरह से मुक्ति नहीं मिल रही है, किसी ब्राह्मण को बुलाओ जल्दी से जल्दी इनके शरीर कैसे छूटेगा, आप पूछो उसको क्या बोलेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता हूँ, और कोई बार व्रत का नाम नहीं बताएगा। देखो मेरा स्वयं अनुभूति, मैं यूरोप गया था प्रचार करने के लिए विदेश में, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, शरीर केवल हड्डी हड्डी रह गया था, गले में प्राण अटक गए थे, प्राण बिस्तर से जाए नहीं, बड़ा कष्ट है, पैसा बड़ा खर्चा हो रहा था, इनको पता चला भारत से कोई साधु आए हैं, फिर हमने लेकर गए हॉस्पिटल में, बोले बाबा पिताजी की अवस्था देख करके हम बड़े दुख कष्ट हो रहा है, इनकी मुक्ति नहीं मिल रही है, साल साल से इसे पड़े हुए अच्छे तो हो गए, आप कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा एक काम करो, आप एकादशी व्रत करके इनके फल दो। बोले बाबा अभी 10 दिन बाकी है एकादशी, मैंने आज संकल्प करो, मैं सबके हाथ में पानी दिया परिवार में, बोले संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनको फल देंगे, सबके सब संकल्प लिए। लेकिन वहां से जिन भक्तों को घर में रुका हुआ था, जब घर में आया ना, इनका फोन आई, बोले बाबा पिताजी की सदगति हो गई, पिताजी की उधार हो गया, पिताजी की इतने महिमा एकादशी की, पिछले भागवत में एकादशी की इतने महिमा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का गलत धारणा है, नहीं ये तो विधवा ही करती, सधवा नहीं करती। अब भागवत पढ़कर देखो, मैया यशोदा क्या विधवा थी, कृष्ण रुक्मिणी क्या विधवा थी, इन लोगों ने एकादशी व्रत की इसलिए कृष्ण पति रूप में मिले। और सबसे जो बड़ी एकादशी है पांडवा ने चला, सबसे जो बड़ी, जिसको 5 पांडव द्रौपदी को साथ में रखा करते थे, क्या द्रौपदी विधवा थी। द्रौपदी भागवत में अंबरीश महाराज की कथा आती है, दोनों पति पत्नी मथुरा में आकर के एकादशी व्रत की है, इसलिए एकादशी व्रत का नियम है 8 साल से लेकर 80 साल उसको करनी चाहिए। और एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, जगत का जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्ण में रहते हैं, हर पाप की मुक्ति बताया। लेकिन एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करते हैं, बोले उनकी कोई मुक्ति नहीं, बड़ा पाप है। इसलिए आप लोग, हम कल अच्छी अच्छी आपको कथा सुनाएंगे। तो पति पत्नी थे, तो सवेरे सवेरे लड़ाई हो गई, सवेरे उठते ही दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो पति घुसा करके बोला आज मैं भोजन नहीं करूंगा, पत्नी बोली मैं भोजन बनाऊंगी तब तो भोजन करोगे, आज मैं भी भोजन नहीं बनाऊंगी, सवेरे सवेरे उठकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। आप कहना घर में कभी कभी होती नहीं कि पति पत्नी में, देखना घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, दो तीन दिन तक एकादशी व्रत रहते रहती नहीं, इसलिए दोनों पति पत्नी अनजान में एकादशी व्रत हो गई, उनको पता नहीं था एकादशी। पता है क्या मिला, अगली जीवन में रुक्मांगद महाराज होकर के जन्म हुए,
वही उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की पत्नी बन करके जन्म हुई। अनजान में एकादशी व्रत अगर कर लिया तो इतने महिमा, अगर जान बूझ करके भागवत कथा में कथा सुन करके एकादशी करोगे ना, आप सोच नहीं सकते इसकी इतने महिमा। ठीक है ना, कल सबके सब एकादशी व्रत रख लो। कोई एकादशी का दिन अन्न नहीं खाना, जैसे माता देवी की व्रत रखते थे 9-9 दिन तक रख लेती है, ये तो 15 दिन में एक बार एकादशी आई। ठीक है ना, इसलिए कल अच्छे तरह से एकादशी व्रत करना। और कल जब आप आओ, हम कोशिश करेंगे 4 बजे, मैं फोन कर रहा था कोई भक्त आएगी नहीं, मैं तो 4 बजे आना चाह रहा था, बोल रहे तो अभी 2-4 भक्त आएंगे इसलिए लेट आज थोड़ी सी हो गई। कल एकदम ठीक 4 बजे कोशिश करेंगे कथा प्रारंभ कर देंगे और कथा को 7 बजे तक विश्राम दे देंगे। ठीक है, और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब कथा में आओ एक एक भक्त 10-10 भक्तों को लेकर के आओ। कितने कितने भक्तों को बोलो जोर से। गुरु जी कहते थे आप जिनको लेकर के आओगे ना उनको जो पुण्य मिलेगी लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिल जाएगी। गुरु जी कहते थे आधा पुण्य मिल जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति को गलत काम पर लगा हो पाप, लेकिन आप तो भागवत कथा में ला रहे हो। कल हम ये सुनेंगे गोकर्ण धुंधुकारी का भी कथा सुनेंगे। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, जब गोकर्ण ने गैया में उसको नाम पर पिंड दी, हमारी संस्कृति है गैया में ठाकुर जी का चरण चिन्ह, एक बार कोई वहां पिंड दे दे जरूर मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब गोकर्ण को पूछे धुंधुकारी को बोले चरण तेरे नाम पर पिंड दी मुक्ति नहीं मिली, बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दोगे मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली तो मिली कैसे, बोले ये भागवत कथा से। जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल एक बार आओ और भागवत कथा में बैठ जाओ तो आपको अपने आप संसार से मुक्ति मिल जाएगी। इतने महिमा भागवत कथा की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की, परीक्षित महाराज की। अभी हमारे प्रभु जी एक बढ़िया भजन गाएंगे नाचने वाले, एक बार सब खड़े हो जाओ, सबके सब उस पर खड़े हो जाओ और पीछे भैया सामने आ जाओ। तेरे नाम की ओर तेरे नाम की ओर झुकरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, तेरे नाम की ओर झुमरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में, सावरिया के प्यार में।
क्या बात है, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। Thank you.
Oh,
Thank you.
जब कर्तव्य का छलांग लगाते हैं एक देश छात्र को कौन छू पाता है? सब मोटे पत्र हो जाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। एक बार सभी छलांग लगाते हैं, देखो हम लोग भी नाच रहे हैं, सभी छलांग लगाते हैं। मी काली गौर हरी हो हरी हो भी रह गया है। जो लोग पीछे खड़े जो देख रहे सोच रहे कि दिखता नहीं है, जो लोग यहाँ से सब दिख रहा है कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसलिए एक बार लास्ट टाइम एक बार और सभी हाथ इसलिए आप लोग कोशिश करना कम से कम हम लोग जब तक है सब लोग तब तक कम से कम परिक्रमा में आए, प्रभात भर में सबके सब जरूर आए, सब बात लोग एक बैठ जाए प्रसाद लेके उसके बात हो जाएंगे, जो लोग बैठेंगे उन्हें कोई निशान नहीं, सब बात लोग बैठ जाओ। हरि बोल। कल शाम को 5 बजे हम लोग मिलेंगे बांके बिहारी मंदिर से, बांके बिहारी मंदिर जो सामने स्टोर पे उसके बाद स्कूल के अंदर बांके बिहारी मंदिर है, वहीं से 5 बजे महाराज जी के संग में वैष्णव के संग में प्रभात फेरी लेगी। और कल प्रभात फेरी अगर कोई लेट हो जाता है तो प्रभात फेरी का ग्रुप है सुना में लेट निकल रहा है, जो लोग जानते हैं यहाँ पे विपुल दीदी है हमारे प्रताप नगर में जाएगी प्रभात फेरी, प्रताप नगर जहाँ और वो आ रहा है ना स्वामी गेट वहाँ पर प्रताप नगर है, प्रताप नगर में प्रभात फेरी जाएगी, कोई भी थोड़ा लेट हो जाए तो वहीं पर पहुँच जाएंगे और सब लोग आइएगा फेरी में, सब लोग भगवान नाथ के दर्शन करके हम जाएंगे। ठीक है, एकादशी है, सब लोग एकादशी का व्रत करना, एकादशी के वक्त में नियम सुन लीजिए, आगे अगर खाना है तो सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च और मतलब मसालों में हमें शूज नहीं करना, और अगर कोई तेल यूज अदरक यूज कर सकते हो लेकिन हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं, और अगर कोई तेल यूज करना है तो सिर्फ मूंगफली का तेल पकौड़े तलने के लिए या फिर कुछ तड़का लगाने के लिए या फिर देसी घी और कोई किसी भी प्रकार का ऑयल यूज नहीं होगा, बाकी फलाहार ले सकते हो, गुड़ ले सकते हो, मिठाई जो मिठाई में वही वाली जो दूध से निर्मित मिठाई है वही वाली आप ले सकते हो। हाँ, अच्छी बात बताई, अगर सुबह दांत साफ करना है उसमें भी टूथपेस्ट यूज नहीं करते, एकादशी के दिन सेंधे नमक से दांत साफ करते हैं, सेंधे नमक लेके दांत साफ कर लो, मैं तो मानूंगी वहां पर रात को साफ कर लो, सुबह करने की जरूरत है।